असीम अंधकार में भटक रहे सजन नयन, न पथ दे रही धरा न ज्योति दे रहा गगन। कवि की ये पंक्तियां आज के इस कोविड काल में कितनी सटीक हैं, किंतु ऐसे ही काल में सिटी लाइफ जैसे चैनल हैं जिन्होंने शब्द दिल से एक ऐसी कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत करी है जिससे सभी जीवन में, सभी मन में एक नई ऊर्जा और स्पंदन की संरचना हो सके। आज इसी मंच पर हमारे दो मेहमानों डॉक्टर सुषमा सिंह जी एवं मीनाक्षी माथुर जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है आप सब, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। यह कार्यक्रम नए उभरते कलाकारों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपने शब्दों के ताने बाने से हर जीवन को, हर मन को एक नया रंग, एक नया उत्साह दे सके। क्योंकि इस संसार में जो आज की तारीख में विपदा प्रकोप छाया है, उसके बीच में हम अपने दिल के लिए कुछ सुकून के पल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज की इस शाम को हम एक बहुत ही नए संचार से शुरू करेंगे। और मैं इस शाम का आगाज करना चाहूंगी अपनी एक कविता, निराशा क्यों है। आज कठिन समय आया है, बस गहरा एक साया है, हर एक सांस अटक रही है, कई जिंदगियां भटक रही हैं, एक निराशा छाई है, एक मायूसी पसरी है, किंतु यूं तो जी नहीं सकते। आज चलो एक नया गीत लिखें, आज नया एक ख्वाब सजाएं, फिर से एक आस जगाएं, हंसी खुशी के सारे पल आबाद करें अपना दिल, एक नया कल आएगा, जीवन खुशहाल बनाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूं कानपुर से डॉक्टर सुषमा सिंह जी का, जो हिस्ट्री और पेडागॉजी में डबल एमए है और वर्तमान में फैमिली काउंसलर के पद पर कार्यरत हैं। यूं तो सुषमा जी का जीवन परिचय इतना विस्तृत है कि अगर मैं इस पर कहने लगूं तो कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुषमा जी से कि वे अपना एक संक्षिप्त परिचय दें और हमें अपनी कुछ रचनाओं से रूबरू कराएं। सुषमा जी, बहुत बहुत आभार सभी का, सभी को प्रणाम करती हूं मैं, और मैं मुखर कविता जी को सादर प्रणाम करती हूं कि वो मुझे इस मंच पे लेके आई और उन्होंने ही हमें लेखन के लिए प्रेरित किया। उन्हीं के कारण मैं लिख पा रही हूं। और मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मैं एसएसपी ऑफिस में परामर्श केंद्र में काउंसलर हूं, पारिवारिक मामलों में मैं काउंसलिंग करती हूं। और मैं अपने कविता की शुरुआत एक दोहे से करती हूं। नमन करूं साहित्य को गणपति जी के साथ, माँ वाणी आशीष दो, रख दो सिर पर हाथ। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन में ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि मेरा काम कैसे चलेगा, मैं बाहर कैसे नहीं जा पाऊंगा। तो लेकिन मैंने इसको एक सकारात्मक वे में लिखा है कि जो है जैसा है उसको स्वीकार करेंगे और घर में रहेंगे। तो उस पर मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए आप लोग।
कि परे परे घर माँ मोबाइल चलई बे, परे परे घर माँ मोबाइल चलई बे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जई बे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जई बे, हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, चीनी कोरोना से हम ना डरेंगे, चीनी कोरोना से हम ना डरेंगे, बिजली की बत्ती को सारी बुझा के, बिजली की बत्ती को सारी बुझा के, घंटी बजा करके दीपक जलेबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, दिन सारे उठ करके खाना बनाया, झाड़ू और पोछा भी हमने लगाया, झाड़ू और पोछा भी हमने लगाया, आज तो बनाई है मट्ठा की आलू, आज तो बनाई है मट्ठा की आलू, कल परसों बेसन का गट्टा बनेबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, बाहर निकलने की जिद करता बेटा, बाहर निकलने की जिद करता बेटा, कुछ ना होगा ये कहे लेटा लेटा, कुछ भी ना होगा कहे लेटा लेटा, हेलमेट को खिड़की के पीछे छुपा के, हेलमेट को खिड़की के पीछे छुपा के, बाइक की चाबी बकस्मा छुपेबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, अब ही सिलेंडर तो काफी भरा है, अब ही सिलेंडर तो काफी भरा है, फिर भी तो हमको ना चिंता जरा है, फिर भी तो हमको ना चिंता जरा है, होगा खत्म घर तो लकड़ी जला के, होगा खत्म घर तो लकड़ी जला के, माटी के चूल्हे पे छत पर बनेबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, थोड़े दिन पहले भी आटा पिसाया, दाल चावल आलू भी हमने मंगाया, थोड़े दिन पहले ही आटा पिसाया, दाल चावल आलू भी हमने मंगाया, जब तक है आटा तो रोटी बनेगी, होगा खत्म घर तो घुघरी बनेबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, जैसे बनी वैसे घर मारा हब हम, जैसे बनी वैसे घर मारा हब हम, कौनो पंचायत न कतई करब हम, कौनो पंचायत तो कतई करब हम, चिड़िया के संग संग हाथी उड़ेबे, चिड़िया के संग संग हाथी उड़ेबे, सत्ता विपक्ष पे ना उंगली उठेबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, सत्ता विपक्ष पे ना उंगली उठेबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइबे, बार बार साबुन से हथवा धोवा के, बार बार साबुन से हथवा धोवा के, उस पे जरा सैनिटाइजर लगा के, उस पे जरा सैनिटाइजर लगा के, अपनी सुरक्षा तो खुद ही करब हम, अपनी सुरक्षा तो खुद भी करब हम, मुखड़े पे अपने
हम उसका ले गई बे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना देखे, उखड़े पे अपने तुम उसका ले गई बे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना देखे, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइए, हम घर से बाहर तो बिल्कुल ना जाइए। धन्यवाद। वाह 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 सुषमा जी, क्या सटीक वर्णन चित्रण किया है आपने आज के सभी परिवारों की स्थितियों का। आज दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में हम हो, हमारी सबकी हाल एक समान है, जो आपने अभी अभी अपनी इतनी खूबसूरत रचना में हमें सुनाया, बहुत ही बढ़िया। और आपने हमें देश के इस हिस्से में बैठे हुए इतने स्वादिष्ट व्यंजनों का भी मजा दिलवा दिया, गट्टे की सब्जी, आलू पूरी का साग, वाह बहुत ही मजा आ गया। हमारी आज की दूसरी मेहमान है जयपुर से मीनाक्षी माथुर जी। इन्हें मैं क्या कहूँ, प्रोफेसर, पोएट, सिंगर, थिएटर आर्टिस्ट, माने टैलेंट की खदान है मीनाक्षी जी। इनके लिए जो कहा जाए, जितना कहा जाए, बहुत कम है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज सिटी लाइव के इस मंच से मुझे फिर एक बार मौका मिला है कि मैं आपकी मार्मिक, हृदय स्पर्शी रचनाओं को आपकी स्वयं की मधुर वाणी में सुन सकूंगी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मीनाक्षी जी। धन्यवाद अर्जुन जी। सबसे पहले तो मैं सिटी लाइव चैनल को बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ इतनी खूबसूरत शुरुआत के लिए और मुझे ये अवसर देने के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही, घर में बंद है, लेकिन एक चीज है जो बहुत खिल रही है और वो है हमारी प्रकृति, और मुझे प्रकृति बहुत लुभाती है। तो मैंने कुछ जो लिखा है, गीत मेरा बहुत पुराना है, पहले की गीतों में है, लेकिन ये हमारी प्रकृति से रिलेटेड है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही आपको गा के सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत जीनू स्वागत। थोड़ा और ए दिल, बोल दो जिंदगी से ठहर जाए, कुछ दिन खुशनुमा हुआ है मौसम, जीनू थोड़ा और ए दिल, भीनी भीनी सी महक है हवाओं में, फैला दूं मैं बाहें अपनी फिजाओं में, बोल दो हवाओं से ए दिल, बोल तो हवाओं से ए दिल, समा जाए मुझे खुशनुमा हुआ है मौसम, जीनू थोड़ा और ए दिल, खिलती खिलती सी लग है पहाड़ों में, गुनगुनाया सा गुलशन है गुलाबों से, बोल दो कांटों से ए दिल, बोल दो कांटों से ए दिल, कहीं जाके कहीं क्यों ना हुआ है मौसम, जीनू थोड़ा और ए दिल, बूंद बूंद सी थमती है फुहारों में, सरगमी दम गूंजी है घटाओं में, बोल दो बूंद से ए दिल, बूंदों से दिल परस जाए
धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब मीनाक्षी जी, आपके इन शब्दों में, इस आवाज में खोकर तो मैं पूरी प्रकृति की गोद में वापस समा गई। और साथ ही मुझे अफसोस है कि आज हमने हमारे अपने कृत्यों से इस धरती को कहाँ ला खड़ा किया है कि हम पर इतनी भारी आपदा, इतनी विपदा आ पड़ी है। लेकिन आपकी द्वारा लिखी ये पंक्तियां हमें प्रकृति के पास जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही, जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे, तो हमें एक नया आकाश, एक नई दुनिया, एक बदला हुआ संसार और बदले हुए व्यक्ति देखने को मिले। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ, मैं अपनी एक कविता आपके सामने रखना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है समय। मैं समय हूं, मैं समय हूं, चलते रहना मेरी आदत, बदलते रहना मेरी फितरत, कल अच्छा आज बुरा, कल अच्छा आज बुरा, जब अच्छाई न ठहरी तो बुराई भी कहाँ, वक्त तब भी बदला, वक्त अब भी बदलेगा, हमें उम्मीद रखनी होगी कि वक्त तब भी बदला, वक्त अब भी बदला, जो कल था आज नहीं, जो आज है वो कल ना होगा, जो आज है वो कल ना होगा, आंधी के साथ अंधियारा छाएगा, तूफान के साथ बादल भी आएगा, हिम्मत का दामन थामे धीरज रखना, हिम्मत का दामन थामे धीरज रखना, चीर के अंधियारे को उजियारा फिर गाएगा, क्योंकि मैं समय हूँ, चलते रहना मेरी आदत, बदलते रहना मेरी फितरत। आज इस दुनिया के लिए हम सब मिलकर एक ही दुआ कर सकते हैं उस परमपिता परमेश्वर से कि हमारे जीवन को उज्जवल बनाए, आशावान रखे। मैं पुनः निवेदन करूंगी, सुषमा जी आप कुछ और सुनाएं हमें। जी, मैं आपके लिए दो लाइनें कहना चाहती हूँ, मेरी ही लिखी हुई हैं, हम सबके लिए। छुट्टी मिली है हमको अभी एक साथ ही, छुट्टी मिली है हमको अभी एक साथ ही, अवकाश में ये हुनर दिखाने का शुक्रिया। वाह, और मैं बेमौसम बरसात जो भी हो रही है उस पे मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है, वो सुनिएगा, ये भी मेरी लोकगीत स्टाइल में है। जी जी, स्वागत। बहुत बड़ा है कलेश, अरे बदरा का है कबर से, बहुत बड़ा है कलेश, अरे बदरा का है कबर से, बैरी ची प्लीन में भर के आए प्रवासी, प्लेन मा भर के आए प्रवासी, रहने गए थे विदेश, अरे बदरा का है कबर से, रहने गए थे विदेश, अरे बदरा का है कबर से, बैरी चीन बड़ा उत्पाती, बैरी चीन बड़ा उत्पाती, रोका नहीं अपने देश,
अरे बदरा काहे कबर से बहुत बढ़ा है कलेश, अरे बदरा काहे कबर से रोज मिलते हैं गलने में नए नए कोरोना के केस, अरे बदरा काहे कबर से नए नए कोरोना के केस, अरे बदरा काहे कबर से बहुत बढ़ा है कलेश, अरे बदरा काहे कबर से कैद हुए हैं हम सब घर में, कैद हुए हैं हम सब घर में सुना पड़ा है निवेश, अरे बदरा काहे कबर से सुना पड़ा है निवेश, अरे बदरा काहे कबर से बहुत बढ़ा है कलेश, अरे बदरा काहे कबर से नाज परा अब ही खलिहान, नाज परा अब ही खलिहान आधे खड़े हैं खेत, अरे बदरा काहे कबर से आधे खड़े हैं खेत, अरे बदरा काहे कबर से बहुत बढ़ा है कलेश, अरे बदरा काहे कबर से गर्मी जो आई तो भागी कोरोना, गर्मी जो आई तो भागी कोरोना सबका यही संदेश, अरे बदरा काहे कबर से बहुत बड़ा है कलेश, अरे बदरा काहे कबर से इसकी नहीं है कोई दवाई, इसकी नहीं है कोई दवाई चिंतित है सारे देश, अरे बदरा काहे कबर से चिंतित है सारे देश, अरे बदरा काहे कबर से बहुत बड़ा है कलेश, अरे बदरा काहे कबर से। धन्यवाद। बहुत ही खूब आपके इस लोकगीत के माध्यम से सुनाए गए इस आपकी रचना को सुनकर तो वाकई आज की सारी तस्वीर हमारे सामने आ गई है, और हम बात कर चुके हैं कि ये समय ऐसा है कि हम सबको हाथ मिलाकर मन मिलाकर इस युद्ध को लड़ना है। नहीं मिला सकते, हाथ नहीं मिला सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन सिटी लाइव ने हमें यह माध्यम दिया है कि हम इस स्क्रीन पर रह के, यहाँ रह के हम मन भी मिलाएं, हाथ भी मिलाएं और आवाज भी मिलाएं। यस 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 यस। मीनाक्षी जी, आपकी ओर से कुछ? हेलो, हाँ मीनाक्षी जी। हाँ मीनाक्षी जी, हेलो। मीनाक्षी जी के कनेक्शन में हमारे साथ कुछ, मीनाक्षी जी की आवाज हमें सुनाई दे रही है, आपको नहीं? मीनाक्षी जी आप अपना काबू पाट करिए। हेलो, हाँ जी मीनाक्षी जी,
हाँ बोले अनु जी। जी मीनाक्षी जी, आपकी ओर से कुछ एक और सुंदर सा कुछ पाठ हो जाए। बिल्कुल, तो अभी जैसा कि कल ही हमने मदर्स डे बनाया है, और माँ बिल्कुल की तो खैर बहुत सारी चीजें बहुत, लेकिन माँ की लोरी ऐसी चीज है जो कि हमें हर उम्र में बहुत भाती है। तो मैं माँ की ही एक लोरी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। देखो गगन में कीट कौन झिलमिल लाया है, गुड़िया भी आई है, गुड्डा भी आया है, मैया ने कानों में गीत सुनाया है, गुड़िया भी आई है, गुड्डा भी आया है। देखो गगन में ये कौन झिलमिल लाया है, तारों की टोली ने चंदा को घेरा है, चंदा जो चमका तो भागा अंधेरा है, आंखों में निंदिया का तेरे बसेरा है, परियों का टोला भी तो आया है। देखो गगन में ये कौन झिलमिल लाया है, गुड़िया भी आई है, गुड्डा भी आया है, जुगनू चमकता है, टिम टिम वो करता है, तारों का मेला भी तो भरता है, नैनों में तेरी जो चुपके से बसता है, पलकों ने सुंदर वो सपना सजाया है। देखो गगन में ये कौन झिलमिल लाया है, गुड़िया भी आई है, गुड्डा भी आया है, मैया ने कानों में गीत सुनाया है, गुड़िया भी आई है, गुड्डा भी आया बहुत है। धन्यवाद। ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुंदर, माँ का प्रेम, बचपन की वो बातें, वो खेल खिलौने, बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। कल हमारी इसी श्रृंखला में मदर्स डे पर हमारे साथ उदयपुर से थी शकुंतला सरुप्रिया जी। उन्होंने अपनी एक गजल पाठ किया था जिसमें उन्होंने कहा, कितनी मुश्किलें हो माँ का चेहरा याद आता है, हमेशा दुआओं का वो पहरा याद आता है। बिल्कुल सटीक बात है, एक माँ की ही दुआ ऐसी है जो दुनिया में हर कष्ट को, हर तकलीफ को काट सकती है। हम जब बात कर रहे हैं इस जीवन में नव संचार करने का, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम अपने बचपन में लौट चलें, अपने बचपन की यादों को जी कुछ साझा करें, कुछ तन्हाई में बैठकर उनके बारे में सोचें। उसी के ऊपर मैंने कुछ समय पहले एक ये कविता लिखी थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी इसका शीर्षक है बचपन। स्वागत है। नन्हा यस मुन्हा मेरा बचपन, नन्हा मुन्हा मेरा बचपन, नटखट था नादान सा बचपन, जीवन की इस दौड़ धूप में छूट गया पीछे वो बचपन। बुझी हुई यादें सुलगाएं, आओ फिर से दीप जलाएं, बुझी हुई यादें सुलगाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। आज अचानक खिड़की खोली, नीचे देखी दो सहेल, मगन रही थी खेल वो दोनों, गुड्डे गुड़िया की शादी में लीन थी दोनों। आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं है इस तरह के कोई खेल होते हैं। आपने और हमने हमारे बचपन में ये खेल बहुत खेले हैं, जहां हमने जी गुड्डे गुड़ियाओं की शादी रचाई है, उनकी पार्टी मनाई है, सब किया है। तो इस पर्टिकुलर इसमें मैंने मेरे बचपन की जो सहेली रही है उसका वर्णन किया है। आज अचानक खिड़की खोली, नीचे देखी दो सहेली, गुड्डे जी गुड़िया की शादी में लीन थी दोनों, मगन रही थी खेल वो दोनों, हमने भी था ब्याह रचाया, मेरा जी बच्चा सोनल की थी गुड़िया। सोनल मेरी बचपन की बहुत ही प्रिय सहेली रही है। आज मैंने तो वो दीप जलाया। दफ्तर ते पहुंची तो बिटिया बोली, उसने बातों की पुड़िया खोली, फूल झड़ी सी झड़ी लगा दी, उसने बातों की छटा बिखरा दी,
वो कहती गई बेदम, जैसे मैं थी वैसे वो भी सुतली बम। मुझे बचपन में मेरे परिवारजन, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले सभी सुतली बम के नाम से बुलाया करते थे, तो उसी का जिक्र है यहाँ पर। वो कहती गई सब कुछ बेदम, जैसे मैं थी वैसे वो भी सुतली बम, आज मैंने तो वो दीप जलाया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये दुनिया भी अपने बचपन को जिए, अपने बच्चों में, अपने परिवारजनों में, सबके साथ अपने दिनों को हंसी खुशी और प्यार से काटे। जल्द ही हम इस संकट से उबर सकेंगे और एक नया सवेरा फिर झिलमिलाएगा जी। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगी। मैं हमारे दोनों ही मेहमान डॉक्टर सुषमा सिंह जी और मीनाक्षी माथुर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर इस मंच की गरिमा बढ़ाई, हमें इतने सुंदर अपनी रचनाओं से रूबरू कराया। उम्मीद है कि आगे भी आपसे इसी तरह मेलजोल बना रहेगा। बस एक ही दुआ है सबके लिए, भगवान सबका भला करे, इस संकट से हमें सबको उबारे। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.